ये वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा पिसे हुए हैं। सवाल हमारा ये बनता है कि इन लोगों को सपोर्ट कौन कर रहा है? एक कातिल, एक पेशावर कातिल कैसे हमारा नुमाइंदा हो सकता है? इसको किस हक से, किस चीज पर सीट रखा गया है? आज इतने ज्यादा सबूत और लाशों के बाद क्या सूबाई हुकूमत और ये जो चीफ सेक्रेटरी यहाँ बैठे हुए हैं उनके अंदर ये हिम्मत है कि वो सरदार अब्दुल रहमान कैतरान को भी जो है ना कानून के कटरे में लाए और उसको भी सजा दे? तो हम इन लोगों के साथ खड़े हैं। ये लोग जो तकरीबन सालों से इस तरह के सरदारों के जुल्म और जबर बर्दाश्त करते आए हैं, ये सरदार वो है जिनको सरकार ने बनाया हुआ है, जिनको सरकार की कानून जो है ना वो बाकायदा तहफ़ुज दे रही है। ये कोई आम गुंडा नहीं है, ये हमारा सूबाई वजीर है और इस बात पर शर्म आनी चाहिए। आपके जो वजीर आला साहब है वो इस्तीफा दे, वो जो इस तरह की बोलते हैं, ये हुकूमत ही सबसे ज्यादा करप्ट है। जिया लांगो साहब जो है ना औरतों की जबरी गुमशुदगी पर बोलते थे अलहदगी पसंद है, आए बताए कि किराना उसके साथ अलहदगी पसंद तंजीम से जो है ना ताल्लुक रखती थी। आप अपने गुंडे कैतरान को सजा देंगे या नहीं?